हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्टार गोल्ड का लोगो बनाना सीखेंगे इन एमएस वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट हमें काम करना है कि यहाँ पे स्टार ड्रॉ करके लेना है। सो उसके लिए इंसर्ट से शेप में आ जाएंगे एंड यहाँ से 5 पॉइंट स्टार हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर में सेट करेंगे। उसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है एज अ रेड। सो उसके लिए यहाँ पे फिल शेप से हम आएंगे एज अ रेड कलर। तो रेड कलर चूज करने के बाद हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, सो नो आउटलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसको 3D इफेक्ट देना है। सो 3D इफेक्ट देने के लिए हम इसको थोड़ा जूम करेंगे एंड इसको एजेस ड्रॉ करके लेते हैं। सो एजेस ड्रॉ करने के लिए अगेन होम में आ जाते हैं। शेप से हमें यहाँ पे फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से हम उसका एजेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एजेस ड्रॉ करते वक्त अंदर के साइड में एजेस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसका कलर हमें बाद में हम सेट करके लेंगे। सो फर्स्ट तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगेन हमें दूसरा नो आउटलाइन फिलहाल तो करके ले लेते हैं, इसको दूसरी साइड भी इसकी ड्रॉ करके लेते हैं। सो उसके लिए अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे शेप्स में आ जाएंगे एंड यहाँ से फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट लाइन इस राइट, यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ क्लोज कर लेते हैं। तो इसका भी हमें कलर चेंज करना है एज अ पर्पल। सो यहाँ पे इस कलर को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे नो आउटलाइन कर लेते हैं एंड जो ये ऊपर का कलर है इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में आ जाएंगे एंड यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर चूज करेंगे। इसको मैं क्लोज कर ले रहा हूँ। सो इसी हिसाब से हमें सभी यहाँ पे 3D करके लेने सभी एजेस को। सो उसके लिए अगेन फ्री फॉर्म को चूज कर रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, मिडल एज लेंगे, यहाँ तक अंदर ले लेते हैं एंड यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सो इसका भी हमें कलर चेंज करना है एज अ स्काई ब्लू। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर चूज करूंगा एंड यहाँ से नो आउटलाइन कर लेते हैं उसको, यस राइट। तो यहाँ पे नीचे वाला भी हमें ड्रॉ करके लेना है। तो फ्री फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, यस राइट, एंड यहाँ पे कट कर देते हैं एंड इसका भी कलर हम चूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट शेप से ग्रेडियंट से यहाँ पे कलर चूज करके ले रहा हूँ एंड इसको नो आउटलाइन कर लेते हैं, या राइट। तो इसके बाद हम अगेन नीचे के साइड में भी सेम रेडी करके ले लेते हैं। फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं आउटलाइन, राइट सिलेक्ट करेंगे, इसको फॉर्मेट शेप से कलर चूज करेंगे ग्रेडियंट कलर एंड यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ एंड नो आउटलाइन, इसका कलर हम स्काई ब्लू करके ले लेते हैं एंड इसको नो आउटलाइन कर लेते हैं, या राइट। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है स्टार गोल्ड के लोगो में। यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा हमें एक शेप दिखता है, तो उसको हमें फर्स्ट ड्रॉ करके लेना है। तो उसके लिए अगेन हम इंसर्ट में आ जाते हैं, यहाँ से शेप से हम फ्री फॉर्म को चूज करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं मिडिल पॉइंट से, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे हम लास्ट में यहाँ तक कनेक्ट कर लेते हैं एंड पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, या राइट। एंड इसका कलर हमें चूज करना है एज अ व्हाइट, यस, एंड नो आउटलाइन कर लेते हैं इसको। ये ड्रॉ होने के बाद हमें इसको थोड़ा सा कर्व करना है। सो कर्व करने के लिए हम इसको सिलेक्ट ही रखेंगे, यहाँ पे एडिट शेप्स में आ जाएंगे। अगर आपको ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आपको एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको फर्स्ट तो जूम करके ले लेते हैं, थोड़ा सा हमें इसको कर्व शेप में चेंज करना है। सो उसके लिए फर्स्ट तो इसको सिलेक्ट करके ऊपर तक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंड इस साइड से भी हम सेम इसको कर्व शेप में मूव करके ले लेते हैं। तो ये तो तैयार हो गया अभी यहाँ तक। उसके बाद हमें नीचे के साइड में भी एक यहाँ पे कर्व ऐड करना है। सो उसको ऐड करने के लिए हम नीचे के साइड से स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए अगेन हम इंसर्ट से यहाँ पे फ्री फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक बीच में हम थोड़ा सा एक पॉइंट ले लेते हैं एंड इसको 2 पॉइंट लेके यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं लास्ट पॉइंट तक। सो अगेन हम एडिट पॉइंट में आ जाएंगे, एडिट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं,
यहां से हमें उसको थोड़ा सा कर्व शेप में शिफ्ट करना है। सो यस राइट, यहां तक, एंड इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा सा ऊपर तक इसको मूव करके ले लेते हैं। एंड इसका कलर हमें चेंज करना है एज अ ग्रे कलर। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर यूज करेंगे एंड यहाँ पे नो आउटलाइन कर लेते हैं इसको। तो अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है इन तीन साइड्स में, एक दो तीन साइड्स में 3D इफेक्ट। सो उसके लिए फ्री फॉर्म को हम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, शेप से फ्री फॉर्म को ले लेते हैं एंड यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। एजेस को हमें कंप्लीट सिलेक्ट करने हैं, यस इस एज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एंड इसको ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। या राइट, तो उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, फॉर्मेट शेप से हमें ग्रेडियंट में आना है एंड यहाँ पे मैं इसी कलर को चूज करके क्लोज कर रहा हूँ एंड नो आउटलाइन कर लेते हैं इसको। यस राइट, तो इसके बाद हमें ऊपर के साइड में भी सेम कलर ही चूज करना है। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, यस राइट, एंड इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं एंड इसको कंप्लीट शेप ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कलर चूज करना है एज अ ग्रेडियंट एंड या राइट, नो आउटलाइन। सिमिलर वे ऊपर के साइड में भी हम लास्ट फ्री फॉर्म को ड्रॉ कर लेते हैं एज को। यस राइट, सो लगभग अभी हमारा स्टार गोल्ड का लोगो रेडी हो गए। सिर्फ हमें यहाँ पे बीच में स्टार गोल्ड का जो ब्लू कलर की लाइनिंग है सो उसको ऐड करना है। तो ब्लू कलर के इफेक्ट को ऐड करने के लिए अगेन इंसर्ट में आ जाते हैं एंड यहाँ से शेप से फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे हम फर्स्ट या राइट, इसी पॉइंट को भी एंड यस राइट। या राइट, सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंप्लीट इस शेप को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे कलर्स में आना है एंड यहाँ पे हमें कलर चूज करना है एज अ पर्पल कलर एंड इसको नो आउटलाइन कर लेंगे। सो दैट देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा लगभग स्टार गोल्ड का लोगो रेडी हो गए। तो इसके बाद हमें इसके नीचे ऐड करना है एज अ स्टार गोल्ड। सो स्टार गोल्ड को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट में आ जाएंगे एंड यहाँ पे शेप से हमें यहाँ पे टेक्स्ट भी आप चूज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप वर्ड आर्ट में आ जाइए और यहाँ से आपको जो भी चाहिए वो टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं आर्ट। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ प्रोसीड करूंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एज अ स्टार गोल्ड, STAR स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसके नीचे ही सेट कर लेते हैं। यस राइट, सो कंप्लीट इसको हम सिलेक्ट करके ले लेंगे। फॉर्मेट शेप से, फील्ड शेप से हमें यहाँ पे इसको ब्लैक करके लेना है। तो या राइट, सो इसको ब्लैक करने के लिए टेक्स्ट फिल में आ जाएंगे एंड यहाँ से हम ब्लैक करके ले लेंगे। आउटलाइन से नो आउटलाइन सिलेक्ट करेंगे हम एंड इसका अभी हमें स्पेसिंग भी बढ़ाना है। सो स्पेसिंग बढ़ाने के लिए हम अगेन होम में आ जाते हैं, इस ड्रॉपडाउन को बढ़ा करके ले लेंगे। यहाँ पे हमें 4 टाइप करना है स्पेसिंग में, सो दैट ये एक्सपांडेड हो जाएगा एंड यहाँ पे स्केल में भी हम चेंज करेंगे 200 एंड इसके ऊपर ओके क्लिक कर लेते हैं एंड इसको करेक्टली सेंटर में सेट करके ले लेंगे। तो इसको जूम आउट कर लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा स्टार गोल्ड का लोगो कंप्लीट रेडी हो गए। तो इसी प्रकार से आप कोई भी लोगो MS वर्ड में बना सकते हैं। तो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।